आजमगढ़ जनपद से जहां जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक नर्सिंग होम में भर्ती महिला के साथ कंपाउंडर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी कंपाउंडर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती महिला के साथ बीती रात कंपाउंडर ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के पति की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने कंपाउंडर को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला बीते कई दिनों से सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित है। पति ने उसे जैनपुर कस्बा स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर लाकर बीते 6 सितंबर से ही भर्ती कराया है। पति का आरोप है कि रात में वह अपने पत्नी को इलाज कमरे में ही सो रहा था। देर रात नर्सिंग होम के एक कंपाउंडर ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। आहट होने पर जब वह जागा तो कंपाउंडर निकलकर बाहर भाग गया। पति के शोर मचाने पर अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर जीएनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी कंपाउंडर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पति के आरोप के बाद मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पति ने कंपाउंडर पर पत्नी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जबकि पति भी पत्नी के पास ही सोया था। ऐसे में यह जांच का विषय है। जांच पड़ताल की जा रही है। आरोप की पुष्टि होने पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जीएनपुर का मामला है, हॉस्पिटल में रेप का मामला है, क्या है पूरा पकड़ा, पुलिस क्या जांच कर रही है? देखिए, थाना जीएनपुर में एक हॉस्पिटल है जिसमें एक 29 वर्षीय महिला जो कि उसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो 6 तारीख को खांसी जुकाम में भर्ती हुई थी और उसके द्वारा सुबह को ये आरोप लगाया कि उसी हॉस्पिटल के कंपाउंडर जो कि वहाँ पर 4 साल से नौकरी करता था, उसके द्वारा रात्रि में उसके साथ दुराचार किया गया। उसका पति भी उसी कमरे में सोया हुआ था, उनसे भी बातचीत की जा रही। कंपाउंडर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जो भी तथ्य होगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।